भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया गया, जिसके तहत 11 अप्रैल से 19 मई तक कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न कराए जाएंगे तथा 23 मई को मतगणना कराई जाएगी और देश के नए प्रधानमंत्री की घोषणा होगी, जिसको लेकर रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में GDA VCA व प्रभारी जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। बैठक में CDO अनु सिंह, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, ADM वित्त व राजस्व विधान जायसवाल, ADM प्रशासन चतुर्भुज गुप्ता, SDM सदर प्रथमेश कुमार, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ADM सिटी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें और सड़कों और चौराहों पर लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर को 24 घंटे के भीतर हटवा दें तथा दीवार पर हुए वॉल पेंटिंग को भी साफ करवा दें, जिससे लोकसभा चुनाव के शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न कराए जा सके। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करें या ईमेल का इस्तेमाल करें, हमारे इलेक्शन ऑफिस में सूचना संबंधित ARO के द्वारा तहसील वाइज कनेक्ट करके अपने वीडियो साहबान से और आपके जो भी नगर पंचायत आपके एरिया में है उनके EO से कलेक्ट करके ये सूचना यहाँ पर आनी है और SDM सदर साहब नगर निगम से सूचना कलेक्ट करेंगे, उनके ज्यूरिसडिक्शन में है तो उसकी सूचना भी कंपाइल करके देंगे, तो ये आपकी तहसील वाइज सूचना आएगी, फिर इसे हम कंपाइल करके आयोग को 11 बजे ईमेल करा देंगे। उन्होंने पूरे जो नगर निगम का एरिया उसको 4 जोन में डिवाइड किया है, हर जोन में एक टीम बनी हुई है और अनुरोध रहेगा कि हम आपको चले नहीं, हम लोग शुरू करेंगे सर्किट निर्देशन सबसे पहले यहीं से, अभी हम लोग हटवाते हुए वो फोटो लेना, सभी अपना देख लेंगे, अपने कुछ कर्मचारी नियुक्त कर दें, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग इसको विशेष ध्यान रखना है, जितनी भी वेहिकल्स निकलेगी आपके एरिया में SSP, FSP और जो हमारी पुलिस की टीमें हैं ये सब उन वेहिकल्स के डिग्गी और उनको सब चेक कर लेंगे, कहीं उसमें शराब कैश किसी भी तरह से घुस ना जाए, उसकी वीडियोग्राफी होगी, SSP टीम और वीडियो जो सरप्राइज टीम है वो उसकी वीडियोग्राफी करेगी, तभी ऑलरेडी पर्स को आपको नहीं मतलब टच करना है, उसे आप चेक नहीं करेंगे, बाकी आप किसी की भी तलाशी ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश है उसका सख्ती पालन होना चाहिए, किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो, समान व्यवहार हो, ये इसी तरह का कोई स्टेटमेंट आपके मुंह से निकल जाएगा तो वो उसे इलेक्शन कमीशन अदरवाइज ले लेगा, तो आपको अपनी भाषा पर अपने आचरण पर पूरा नियंत्रण रखना होगा और अभी से इसी मीटिंग के बाद से ही आप लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। वीडियो सर्वर है, आपने अपने सभी सफाई कर्मियों को लगा दिया अपने क्षेत्र में, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर वॉल राइटिंग या जो भी होल्डिंग्स बैनर्स और जो लिखा हुआ है दीवारों पर उन सबको हटाने के लिए चूना और गेरू वगैरह का उनको देना पड़ेगा आपको, और उनको लगा सफाई कर्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है तो वो उनको आपको डिप्लॉय करना है, जो भी आपके एरियो पंचायत वगैरह है सभी को निर्देश कर दीजिए, सफाई कर्मी जो है इस काम में लगे रहेंगे, नगर निगम के और नगर पंच तो EOs आप देख लीजिए अपने आपके जो भी सफाई कर्मी वगैरह जो भी स्टाफ है चाहे संविदा का है चाहे रेगुलर है उनकी टीमें बना के आप इसको इन्वेस्टमेंट की पूरी कार्रवाई रिमूवल की आज ही से स्टार्ट करेंगे, जाके सबसे पहले गवर्नमेंट मीटिंग फिर पब्लिक प्लेसेस और फिर प्राइवेट मीटिंग्स, तो प्राइवेट मीटिंग्स में ये ध्यान रखिएगा कि उनके मालिक से ये जरूर पूछ लीजिएगा कि ये जो आपकी सहमति है जो झंडा लगा हुआ है या लिखा हुआ है दीवार पर, अगर वो कहते हैं हमारी सहमति है तो आपको एक बिंदु ये है, इनफैक्ट कलेक्ट्रेट कैंपस में भी कई सारे बैनर रखे तो इसमें जो आप गेरू देते हैं या जो कलर आप देते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्योंकि पोस्टर हटाना कई बार उनको लगता है कि कठिन काम है तो सिर्फ उस पर अगर CM या PM साहब का फोटो क्योंकि बना रहता है तो वो उसके ऊपर रंग पोत देते हैं, काला रंग या वो पोत देते हैं, तो कृपया इंश्योर करें कि इस तरीके की हरकत कहीं पर ना हो क्योंकि ये अपने आप में विवाद का कारण बनेगा, पोस्टर अगर हटाना है तो फिर पूरा पोस्टर हटेगा स्टार्टिंग फ्रॉम आपका जो सरकारी कैंपस है वहाँ से,
लेकिन कहीं पे किसी भी पॉलिटिकल फिगर के सिर्फ फेस पे आपने गेरू पोत दिया या कोई अलग पोत दिया और उसको आपने सोचा कि अब हो गया, अब इस पे इसको हटाने की आवश्यकता नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये देखेंगे कि जो हमारे बीच में वीसी जीडीए साहब हैं, सर भी आपको कुछ निर्देश देंगे। नमस्कार सर, निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए अधिकारी वर्ग, वो है जो प्रचार सामग्री है उनको हटवाने का, इसके अंतर्गत नगर निगम तहसीलों में उप जिलाधिकारीगण उनकी टीम नगर पालिका नगर पंचायतों के शासी अधिकारी ब्लॉकों के बी डी ओ विद्यालय साहबान सहार उनकी एडियो साहबान ये सब लोग मिलके अपनी स्ट्रेटजी बना लें कि किस तरीके से हमको अगले 24 घंटे में ये सारा जो डिफेसमेंट है वो सब हटाना है, प्रचार सामग्री हटानी है, टीम बना लें, क्योंकि एक एक कोई भी कॉर्नर ऐसा छुटा हुआ नहीं रहना चाहिए जहाँ पे वॉल राइटिंग पड़ी हुई है, पता चला कि उस गाँव सिंबल का वो निशान बना हुआ है, उसमें कवर होनी चाहिए, जो सार्वजनिक संपत्ति है, बिल्डिंग्स हैं, खंबे हैं बिजली के या अन्य ऐसे जगह हैं जहाँ पे होर्डिंग पॉलिटिकल फिगर का फोटो इस तरह का अगर लगा हुआ हो, बधाई संदेश लगा हो, तो उसको तो हमको तत्काल हटवाना है। इसके साथ ही साथ वॉल राइटिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं झंडियाँ और ये सब अन्य जगहों पे प्राइवेट बिल्डिंग्स पर भी हटवाना है। ये इंश्योर कराइए, अपनी रणनीति बना लीजिए, सभी लोग टीम गठित कर लीजिए कि किस तरीके से हमको अगले 24 घंटे में इसको हटाना है। जो सुविधाएं आपके पास हैं लोकल लेवल पे लेके नगर पालिका है, उसके पास अगर मशीन है, जेसीबी है, सीढ़ियाँ हैं, अपने स्टाफ को अगले 24 घंटे में आज से राइट फ्रॉम टुडे अभी इस मीटिंग के बाद तत्काल ये कार्रवाई शुरू होगी, टेस्ट में भी आएगा और उसके बाद कल भी ये चलता रहेगा जब तक कि सब कुछ हट न जाए।